ऑफ रेलवे की तरफ से अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। देखिए फ्रेंड्स, करीब करीब 4500 से 5000 के आसपास सीसीए एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं जिनको नौकरी से रेलवे ने बेदखल कर दिया है, और इसके रिगार्डिंग एक क्लारिफिकेशन भी यहां पे सबमिट किया है। तो बात करेंगे कि क्या 109 बैच वाले जो सीसीए वाले छात्र हैं उनको फ्यूचर में नौकरी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, या फिर पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इससे नॉर्मल छात्रों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या नॉर्मल छात्र को फायदा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, कट ऑफ डिक्रीज होंगी कि नहीं होंगी आगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। ये भी हम लोग कि क्या रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप करना अब ठीक नहीं रहा, पहले की तरह नहीं रहा, क्या अब कोई भी नौकरी नहीं मिलेगी अप्रेंटिसशिप वालों को, तो इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाय करनी है, देखिए इनके तरफ से अभी एंड ऑफ डिस्काउंट सेल चल रहे हैं, और इस ऑफर का फायदा उठाने का दोस्तों आज अंतिम अवसर है, 31 जुलाई लास्ट डेट है। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, ईयरली टेस्ट टू पास पे सबसे भारी डिस्काउंट मिल रहा है, मात्र 224 रुपए में एक साल वाला टेस्ट टू पास बाय कर सकते हो, और वही ईयरली टेस्ट टू पास प्रो में यहां पे और भी डिस्काउंट है, 699 वाला मात्र 314 रुपए में बाय कर सकते हो, और इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अवेलेबल होते हैं, सैंपल पेपर, री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो। लगभग 700 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट गवर्नमेंट, टीचिंग, डिफेंस, सभी के आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। तो इस ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर बाय कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक लेटेस्ट अपडेट आई है, लोकसभा में एक क्वेश्चन पूछा गया था एक्ट अप्रेंटिसशिप के बारे में, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ऑफिशियल आदेश भी आया है, और यहाँ पे क्या क्या डिसीजन लिए गए हैं वो भी आप लोग देख सकते हो जो जवाब आए हैं। यहाँ पे पूछा गया था रेलवे मंत्रालय से, पहला ही सवाल था कि वेदर अपॉइंटमेंट ऑफ बैच नंबर 109 कैंडिडेट ऑफ रेलवे कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस इन साउथ सेंट्रल रेलवे आंध्र प्रदेश एरिया पास्ड इन RRCCEN 1/2019 विद कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल इज स्टिल पेंडिंग ड्यू टू NCVT फेलियर टू स्पेसिफाई एन एग्जैक्ट डे ऑन दियर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC। यही पूछा गया है कि क्या एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले जो 109 बैच वाले छात्र हैं, अगर यहाँ पे एग्जाम पास किए, DB मेडिकल दे दिए, सब कुछ होने के बाद भी क्या यहाँ पे इनको अभी जॉब नहीं दी गई है सिर्फ इसलिए ताकि उनके सर्टिफिकेट पे नेशनल एक्ट अप्रेंटिसशिप द्वारा कोई डेट स्पेसिफाई मेंशन है नहीं। इसके बाद अगर ऐसा है तो इसका जवाब दीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन था द रीजन फॉर नॉट मेंशनिंग द एग्जैक्ट डेट ऑन NAC, क्या कारण है कि उनके सर्टिफिकेट पे यहाँ पे कोई एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं था। इसके बाद द डिटेल्स ऑफ ऑल द कैंडिडेट हु पास्ड NAC सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ऐसे छात्र की भी डिटेल दीजिए जो DB के समय तक यहाँ पे NAC कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि सर्टिफिकेट उनको मिल चुकी थी। इसके बाद एक और सवाल यहाँ पे पूछे गए वेदर कैंडिडेट्स कंप्लीटेड दियर एक्ट अप्रेंटिसशिप इन दिसंबर 2018 एंड साउथ सेंट्रल रेलवे बोर्ड फेल्ड टू कंडक्ट एग्जाम ऑन द टाइम ड्यू टू मार्च में 2019 इलेक्शंस, क्या ये सही है कि 2018 वाली बैच का जो यहाँ पे एग्जाम कराना था उसको यहाँ पे बिल्कुल भी रेलवे फेल हो चुकी है, और साउथ सेंट्रल रेलवे बोर्ड है जो कि यहाँ पे इसको डिले करके इलेक्शन को देखते हुए, जो इलेक्शन चल रहा था मार्च में 2019 वाली इलेक्शन, इसको देखते हुए यहाँ पे डिले कर दिया है, क्या ऐसा है? अगर ऐसा है तो इसका भी हमें ब्यौरा दीजिए। और इसके बाद लास्ट में पूछा गया वेदर 3000 CCA कैंडिडेट अक्रॉस द कंट्री आर वेटिंग फॉर दियर अपॉइंटमेंट, इफ सो द डिटेल्स अलॉन्ग विद द रीजन देयर ऑफ, और ये भी बोला गया कि क्या पूरे ऑल ओवर जोन में 3000 के आसपास सीसीए वाले छात्र हैं, क्या अभी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा है, सॉरी, वेटिंग फॉर द अपॉइंटमेंट, क्या ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसा है तो इसका भी ब्यौरा दीजिए। अब इन सभी का देखिए एक ही में ब्यौरा दिया गया है, A to G तक का जो सवाल था सबका एक स्टेटमेंट में दिया गया दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से, श्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से। देखिए यहां पे देखिए A to G, सबसे पहले बोला गया है एलिजिबिलिटी कंडीशंस लेड डाउन इन सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर RRC 1/2019 आर वेरी क्लियर। सबसे पहले बोला गया कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये हम लोगों ने बिल्कुल क्लियर कर रखा था नोटिफिकेशन में, इन टर्म्स ऑफ पैरा नंबर 12.2 ऑफ द सेंट्रलाइज इंप्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CENRRC 1/2019 ए कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव कंप्लीटेड द एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ओनली इफ ही हैज अपियर्ड इन द नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT एग्जामिनेशन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन दैट इज ऑन और बिफोर 12/4/2019। इनके कहने हैं कि उसी को एक्ट अप्रेंटिसशिप कंप्लीट माना जाएगा जब फॉर्म भरने का लास्ट तिथि था, उससे पहले तक वो लोग NAC के एग्जाम में अपियर हो चुके थे, भले रिजल्ट मिले या फिर नहीं मिले, लेकिन अगर एग्जाम में बैठ चुके थे 12/4/2019 से पहले तक या फिर इस डेट तक, तो हम लोग उसको यहां पे एक्ट अप्रेंटिसशिप पास मानेंगे। 356 कैंडिडेट्स ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT 109 बैच हु अप्लाइड अंडर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप CCA कोटा एंड वेयर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV अगेंस्ट CENRRC 1/2019 इन साउथ सेंट्रल रेलवे
हैव नॉट बीन कंसीडर्ड फॉर इंपैनलमेंट सिंस दे अपीयर्ड इन द एनसीबीटी एग्जामिनेशन आफ्टर 12/4/2019। अगर सिर्फ और सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन की बात करें तो यहां पे टोटल ऑफिशियल डेटा देख लीजिए, 356 ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे 12/4/2019 के बाद एक्ट अप्रेंटिसशिप के एग्जाम में बैठे हैं, और खास करके 109 बैच वाले छात्र हैं, तो इसलिए इनको इम्पैनल नहीं किया गया है और इनको यहाँ पे रेलवे नौकरी नहीं दे रही है, ये रेलवे का कहना है दोस्तों। देख लीजिए तो एक जोन में 356 के आसपास छात्र को सिर्फ इस कारण से दोस्तों बाहर कर दिया गया है, नौकरी से बेदखल कर दिए हैं। तो ऐसे समझिए 16 RRC जोन की रिक्रूटमेंट चल रही थी, करीब करीब यहाँ पे 4500 से लेकर 5000 के आसपास छात्र हैं जिनको यहाँ पे नौकरी से बाहर कर दिया गया, डीबी मेडिकल कंडक्ट करा के या फिर डीबी करा के इनको बाद में पता चला कि नहीं लेना है इस डेट से, बाद में जो यहाँ पे एग्जाम दिए हैं तो ऐसे केस में उनको बाहर कर दिया है। वहीं आगे देख लेते हैं, यहाँ पे बोला गया है ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT फॉर अप्रेंटिसेस आर यूजुअली कंडक्टेड ट्वाइस अ ईयर इन ए मंथ ऑफ अप्रैल मई एंड अक्टूबर नवंबर एंड आर टर्म्ड एज एग्जामिनेशन सेशन। यानी अप्रेंटिसेस का एग्जाम है जो कि एक साल में दो बार कंडक्ट किया जाता है, अप्रैल में या तो अक्टूबर नवंबर में, जो कि एग्जामिनेशन सेशन के नाम से जाने जाते हैं। एज ए मैटर ऑफ प्रैक्टिस द अप्रेंटिसेस हु कंप्लीटेड दियर ट्रेनिंग ऑन और बिफोर 15 अप्रैल आर कंसीडर्ड फॉर एग्जामिनेशन इन द अप्रैल सेशन एंड द एग्जामिनेशन आर हेल्ड एट द एंड ऑफ अप्रैल और द फॉलोइंग मंथ डिपेंडिंग ऑन वेरियस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। और ये भी बोले गए हैं कि अगर कोई यहाँ पे 15 अप्रैल या फिर इससे पहले तक ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको अप्रैल सेशन में एग्जामिनेशन देने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल माना जाता है, और अप्रैल के एंड तक मंथ में उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाता है या फिर कुछ कंडीशन हो तो यहाँ पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो उसको ध्यान में रखा जाता है। सिमिलरली द अप्रेंटिसेस हु कंप्लीटेड दियर ट्रेनिंग ऑन और बिफोर 15th of October आर कंसिडर्ड फॉर एग्जामिनेशन इन द अक्टूबर सेशन एंड द एग्जामिनेशन आर हेल्ड इन द एंड ऑफ अक्टूबर और द फॉलोइंग मंथ डिपेंडिंग ऑन वेरियस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। और वही 15 अक्टूबर के पहले तक जो यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं ट्रेनिंग, उनको अक्टूबर वाले सेशन में एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल माना जाता है, और वो उसी मंथ में एग्जाम दे सकते हैं या फिर थोड़े बहुत समय भी लग सकता है। द एग्जामिनेशन ऑफ द ट्रेड अप्रेंटिसेस कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स नेमली प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पेपर्स एग्जामिनेशन। दो तरह का पेपर होता है, एक प्रैक्टिकल होता है एक थ्योरी होता है। द एस्टैब्लिशमेंट्स इंगेजिंग अप्रेंटिसेस आर रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। और यहाँ पे साफ साफ पूरा पल्ला रेलवे ने झाड़ दिया है, बोला है कि जो एस्टैब्लिशमेंट होते हैं अप्रेंटिसेस का वही सिर्फ जिम्मेदार है ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का। द थ्योरी पेपर्स आर ट्रेड थ्योरी इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। द एग्जामिनेशन फॉर विच इज कंडक्टेड बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT एज ए अवार्डिंग बॉडी अंडर NCVT, जो कि इसको अभी इस नाम से आना था। और बाकी जो थ्योरी पेपर होता है जो NCVT के द्वारा यहाँ पे कंडक्ट कराया जाता है। द एग्जामिनेशन फॉर सब्जेक्ट सेशन वेयर शेड्यूल्ड फॉर थ्योरी सब्जेक्ट अंडर बैच नंबर 109th ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट AITT फ्रॉम 29 मई 2019 से लेके 31 मई 2019। और ये भी बोला गया है कि 109 बैच वाले जो एक्ट अप्रेंटिस वाले थे उनका एग्जाम का डेट ही दिया गया था NCVT के द्वारा 29 मई से लेके 31 मई के बीच में, एंड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 12 जून से लेके 14 जून के बीच में यहाँ पे बोला गया था कि प्रैक्टिकल होगा। द सेड थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आर ऑलवेज कंडक्टेड इन अ विंडो ऑफ सेम टाइम ड्यूरेशन फॉर प्रैक्टिकल रीजन हेंस ओनली द एग्जामिनेशन सेशन इन द फॉर्म ऑफ मंथ एंड ईयर वेयर प्रिंटेड ऑन सर्टिफिकेट मार्कशीट। और यही कारण था इस तरह से बोले गए कि यहाँ पे जल्दी जल्दी कराया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस तरह से लेट हुई, डिले हुई, इसलिए इनके जो सर्टिफिकेट हैं हेंस ओनली द एग्जामिनेशन सेशन इन द फॉर्म, इसलिए जो इनका यहाँ पे सर्टिफिकेट था उस पर एग्जामिनेशन सेशन और मंथ और ईयर इस तरह से प्रिंटेड कर दिया गया था मार्कशीट पे, और कोई डेट यहाँ पे मेंशन किया नहीं गया था। तो कई तो छात्र ऐसे हैं जिनका अप्रैल तो लिखा गया है सर्टिफिकेट पे, लेकिन इसमें 12 अप्रैल 13 अप्रैल या फिर इससे पहले कोई डेट नहीं मेंशन है, इसलिए इनको नहीं ले रहे हैं। जबकि दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, आप कोई भी सर्टिफिकेट निर्गत करते हो, इश्यू करते हो, तो आखिर उसका डेट क्यों नहीं जारी कर रहे हो? तो देख रहे हो यहां पे साफ साफ बोल रहे हैं ऐसे करके कि इस तरह से लेट में हुआ, सेशन लेट चला और बाकी सारी लेट चली, तो हम लोग प्रिंट ही नहीं किए उस पे डेट। तो गलती किसकी है यहां पे? तो छात्र की कोई गलती है नहीं कि जिनको अप्रैल में इस तरह से सर्टिफिकेट मिले हैं और आपने डेट नहीं मेंशन किया कि किस डेट तक, तो उनको बाहर कैसे कर सकते हो? और यहां पे कोई अल्टरनेटिव तो इसका निकालना चाहिए। आगे देखिए, इन व्यू ऑफ द फैक्ट प्रोवाइडेड अबव द क्वेश्चन ऑफ पेंडेंसी डज नॉट अराइज। और ये भी पल्ला झाड़ लिए सीधा सीधा कि जो पेंडिंग है 3000 के आसपास जिनको जॉब नहीं दी जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और ये सीधा सीधा बोल दिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहां पे क्या डिसीजन लिए गए, ये जो टफ डिसीजन लिया गया है रेलवे की तरफ से, और जैसे जवाब देने का तरीका है, इससे क्या लगता है कि क्या 109 बैच वाले छात्र का आगे कोई करियर है? क्या यहां पे इनको जॉब दे सकती है रेलवे ग्रुप डी में? ऐसा नहीं लगता फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं हर जोन से जिनका सिलेक्शन हो भी गया था, उनको भी बाद में बाहर कर दिया है। विश्वास मानिए फ्रेंड्स, एक जोन में तो यहां पे
दो महीने तक नौकरी कर चुके हैं कोई छात्र, और उनको यहाँ पे अब जाके बाहर कर दिया है। 2 महीने नौकरी करने के बाद समझ लीजिए कि आप 109 बैच वाले हैं, इसलिए आपको बाहर किया जाता है। तो देख लीजिए कितना यहाँ पे टफ डिसीजन एक तरह से है, ऐसा करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक अप्रेंटिसशिप का एग्जाम भी होता है, सारा कुछ प्रोसेस होता है इसका, वो सब कुछ रेलवे कंडक्ट कराती है, चयन भी करती है एक अप्रेंटिसशिप में रेलवे, और इनके तरफ से ही सारा कुछ अगर सही रहता तो यहाँ पे एग्जाम भी सही टाइम पे कंडक्ट कराया जाता। अगर सही टाइम पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता तो किसी भी छात्र को जो 4 से 5 हज़ार के आसपास यहाँ पे छात्र अभी उलझ रहे हैं ये सब चीज़ों में, जो यहाँ पे नौकरी से जिनको हाथ धोना पड़ रहा है, इनका ऐसा कंडीशन ही नहीं आता और इनको यहाँ पे जॉब लग जाती। तो गलती तो एक तरह से रेलवे की तरफ से हुई है, एनसीबीटी की तरफ से हुई है। एक चीज और है कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में तो बहुत सारी चीजें मेंशन है, जैसे ये लोग बोल रहे हैं कि हमने साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया था ये चीज, तो नोटिफिकेशन में मेंशन किया था, तो नोटिफिकेशन में आपने तो हजारों बदलाव किए हैं जब से नोटिफिकेशन 2019 में आई है, 2023 आते आते कितने सारे नोटिफिकेशन में बदलाव कर दिए हैं। तो एक चीज ये जिससे दिक्कत हो रही है छात्रों को, आखिर इस चीज को क्यों नहीं बदला जा रहा है कि हमसे गलती हो गई, यहाँ पे थोड़ा लेट से एग्जाम कंडक्ट हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा छूट देते हैं, और जो 109 बैच वाले हैं उनको भी हम लोग एलिजिबल मान लेते हैं। तो पूरा का पूरा इनका 4 साल तो आपने बर्बाद कर दिया, 2019 से लेकर 2023 तक पहुंचा दिए, और अब बोल रहे हो कि जॉब नहीं मिलेगी छोटी सी वजह से, क्योंकि यहाँ पे थोड़े से डेट का इशू चल रहा है इनका रिजल्ट का, बाकी 2019 में ही ये सब एक अप्रेंटिसिस पास हैं। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कड़ा ही रुख यहाँ पे दिखा रही है रेलवे, थोड़ा सा क्या, बहुत कड़ा रुख दिखा रही है, ऐसा करना नहीं चाहिए था, थोड़ा सा सॉफ्टनेस यहाँ पे दिखाना चाहिए था छात्रों के प्रति। एक चीज और देखिए फ्रेंड्स, रेलवे मंत्रालय कैसे जवाब देती है वो भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक क्लियर पूछा गया था सवाल कि क्या ऐसा है कि मार्च में 2019 के बीच में इलेक्शन चल रहे थे, इसकी वजह से आपने लेट कर दिया और एग्जाम लेट से कंडक्ट कराया। तो दोस्तों ऐसी पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन उस समय चल ही रहे थे, लोकसभा वाली इलेक्शन, और उस समय हो सकता है कि यहाँ पे लेट करा दिए। तो इससे पूरा का पूरा जिम्मेदारी किस पे आता है कि इलेक्शन कराने के चक्कर में यहाँ पे पूरा का पूरा एग्जाम डिले कर दिए। तो इसका कोई भी जवाब नहीं दिया है, और बिल्कुल भी बचने की कोशिश किए हैं, कहीं पे भी इसका जवाब नहीं दिए कि आखिर ये सही था नहीं। और अगर ये सही है तो फिर इसमें छात्र की गलती कहां है? आप लोग गलती को एक्सेप्ट कीजिए और यहां पे छात्र को यहां पे मौका दीजिए, इनको एक्सेप्ट कीजिए, और जो इतने सारे छात्र हैं उनको नौकरी दिया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये लोग तो ऐसे करके बोल करके निकल गए हैं। हालांकि जो AIRF है, ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन, इन्होंने यहां पे रेलवे मंत्री जी से बातचीत भी की थी, और यहां पे दोस्तों रेलवे मंत्री जी ने यहाँ पे आश्वासन भी दिया था कि हम इस मैटर पे हस्तक्षेप करेंगे और इस पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन वो दोस्तों यहां पे एक तरह से कह सकते हो कि आश्वासन ही रह गया, अभी तक उसका कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया। और अभी लेटेस्ट में जो ऑफिशियल रिप्लाई आया है रेलवे मंत्रालय का, आप लोग के सामने है, देख सकते हो, यहाँ पे बिल्कुल भी फिराक में नहीं है, 109 बैच वाले छात्र को नौकरी देने के चक्कर में बिल्कुल नहीं है। और अब तो दोस्तों कई जोन में सेकंड डीवी भी आ चुका है, तो अब तो नहीं लगता कि 109 बैच वाले छात्र को यहाँ पे कंसिडर भी करने वाले हैं। अब बात आती है कि इतने सारे छात्र जब यहाँ पे बाहर किए गए एक अप्रेंटिसशिप से, 109 बैच वाले छात्र के साथ ऐसा हो गया, तो क्या यहाँ पे दूसरे छात्र जो नॉर्मल छात्र हैं उनको फायदा मिलेगा, और कितना फायदा मिलेगा? तो जी हाँ फ्रेंड्स, दूसरे छात्र को इससे बिल्कुल भी फायदा मिलेगा, क्योंकि 1:1 में डीवी और मेडिकल के लिए बुलाया गया था, इसमें काफी सारे 109 बैच वाले छात्र शामिल थे, कई सारे छात्र का डीवी मेडिकल हुआ, कई सारे का ज्वाइनिंग भी हुआ था, बाद में कैंसिल कर दिया गया सभी को, करीब करीब 4500 से 5000 के आसपास है, तो ऐसे केस में जिनको बाहर किया गया। अब दोस्तों बाद में जब सेकंड डीवी आएगी, थर्ड डीवी आएगी, तो इस सीट पर तो दूसरे छात्र को लिया ही जाएगा। रही बात की फिर से क्या एक अप्रेंटिसिस को लिया जाएगा, तो एक अप्रेंटिसिस को 9 के बराबर लिया जाएगा, क्योंकि जितने छात्र थे उतना को तो 1:1 में ले ही लिया गया था, उतने कैंडिडेट भी नहीं मिल पाए थे एक अप्रेंटिसिस वाले, 20% सीट रिजर्व थी, यानी 20,000, तो 20,000 में से मात्र 15 से 16,000 के आसपास ही इनको मिल पाए थे, तो एक तो ऐसे ही कमी थी, और ऊपर से 4-5 हज़ार और अभी बाहर कर दिए नौकरी नहीं दिए। तो ये जो सीटें हैं जो कि नॉर्मल छात्र के खाते में जाएगी, और नॉर्मल छात्र को इससे फायदा होगा। हो सकता है कि सेकंड डीवी थर्ड डीवी में कई जोन में यहाँ पे ज्यादातर सीट पे देखने को मिले, कट ऑफ मार्क्स डिक्रीज हो, या फिर हो सकता है ऐसा भी कि जब रिप्लेसमेंट डीबी बाद में ये लोग निकाले, जब बाद में जरूरत पड़े जॉब छोड़ के जाए, या फिर कुछ केस में, तो ऐसे केस में जो सीटें खाली रहती है उस पर कट ऑफ मार्क्स कम करके ये जो सीटें खाली होंगी एक अप्रेंटिसशिप वाली उस पर भी नॉर्मल छात्र को भर सकते हैं। तो ये रेलवे के ऊपर डिसीजन है कि सेकंड डीबी थर्ड डीबी में ये सब कराते हैं या फिर रिप्लेसमेंट डीबी देते हैं उस समय यहाँ पे कराते हैं, लेकिन नॉर्मल छात्र से ये सीटें जरूर भरी जाएंगी जो यहाँ पे खाली हुई है। अब दोस्तों एक चीज जो काफी जगह प्लेटफॉर्म पे एक चीज फैलाई जा रही है, और चाहे इसको बता सकते हो कि यहाँ पे अफवाह की तरह इसको बताया जा रहा है, कि क्या अब रेलवे से एक अप्रेंटिसशिप करना क्या अब ठीक नहीं रहा है? क्या रेलवे से एक अप्रेंटिसशिप नहीं करना चाहिए? क्या यहाँ पे फ्यूचर में जो भर्तियां आएंगी रेलवे में एक अप्रेंटिसशिप वाले छात्र को कोई मौका नहीं मिलने वाला है? क्या कोई फायदा नहीं मिलेगा? तो फ्रेंड्स देखिए पूरी तरह से झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक अप्रेंटिसशिप का बहुत फायदा रेलवे में है। फ्यूचर में देखिए जो भी आपकी भर्तियां ग्रुप डी वाली आएंगी,
ग्रुप डी वाली जो भर्तियां आएंगी उस पर पूरी तरह से एक अप्रेंटिसिस वाले छात्र हैं जो कि एलिजिबल रहेंगे, सारे के सारे पोस्ट पे एलिजिबल रहेंगे और काफी सारी छूट भी मिलती है एक अप्रेंटिसिस करने में। यहां पे देखिए कि पीईटी आपको देना नहीं पड़ता है, उसी तरह से एग्जाम का प्रोसेस दोस्तों सीबीटी के बाद आपका ट्रेड टेस्ट वाला एग्जाम है उसका मार्क्स ऐड करके सेलेक्ट किया जाता है। तो बहुत कम नंबर लाते हो, सबसे कम नंबर पे एक अप्रेंटिसिस का सिलेक्शन होता है और ग्रुप डी में नौकरी लग जाती है। हालांकि पहले जीएम पावर था तो जीएम के आदेशानुसार ही जॉब लग जाती थी, कोई एग्जाम देना नहीं पड़ता था, कोई पीईटी नहीं, लेकिन अब यहां पे एग्जाम भी देना पड़ रहा है तो ऐसे केस में काफी कम नंबर पे आपके सिलेक्शन हो जाते हैं, एक तरह से पीईटी भी माफ रहता है। तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, 109 बैच वाले छात्र के साथ ऐसा मिसफॉर्च्यून हो गया, ऐसा दिक्कत हो गया, बाकी छात्र के साथ कोई दिक्कत नहीं है। अगर एलिजिबिलिटी कंडीशन रखते हो तो कभी भी आप एक अप्रेंटिसिस हो तो रेलवे में आपको फायदा यहां पे मिलता है ग्रुप डी के रिक्रूटमेंट में। और 20% सीट रिजर्व रहती है, तो समझिए जितनी भी पोस्ट आएंगी उसका 20% सिर्फ और सिर्फ एक अप्रेंटिस वाले के लिए रिजर्व रहता है। अगर उतने मिल गए एक अप्रेंटिस तो भर गया, नहीं मिलते हैं तो वो सीटें नॉर्मल छात्र को दे दी जाती है। दूसरी चीज है, जब असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियंस की भर्ती आती है तो वहां पे एएलपी में दोस्तों कई सारे ट्रेड वाले एक अप्रेंटिसिस वाले होते हैं जो कि बिल्कुल एलिजिबल होते हैं और एएलपी के पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। वही टेक्नीशियन में बहुत सारे टेक्नीशियन वाले पोस्ट हैं जहां पे एक अप्रेंटिसिस रेलवे से कर चुके होते हैं, वो बिल्कुल एलिजिबल होते हैं और टेक्नीशियन वाले पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एएलपी टेक्नीशियन में कोई आरक्षण नहीं मिलता है कि इतना सीट रिजर्व है, कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन एलिजिबिलिटी जरूर आती है कि जो एक अप्रेंटिसशिप रेलवे से किए हैं वो एएलपी और टेक्नीशियन में यहां पे भर सकते हैं। तो इतना सारा फायदा है और फ्यूचर में भी दोस्तों ऐसा रहने वाला है कि आगे की जो भी भर्तियां रेलवे की आएंगी वहां पे एक अप्रेंटिसशिप वाले छात्र हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको यहां पे बेनिफिट मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। और अभी कर रहे हैं वो कर रहे हैं तो ठीक है दोस्तों, आगे आपको इसका बेनिफिट जरूर देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि एक अप्रेंटिसशिप का कोई फायदा यहां पे है नहीं। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो से सारा कुछ। बाकी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो को ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।